वीरकुंवर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एक सेमिनार कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में किस प्रकार कौन सा सिस्टम होगा उस पर रिसर्च करने की बात मेथड की बात की गई, जिसमें अन्य वक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस सेमिनार का उद्घाटन अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के अलावा कई गणमान्य प्रोफेसरों ने दी प्रज्वलित कर दी। रिलेटेड कितनी चीजें और वो जो मेथड यूज किए हैं, क्या वो सेम मेथड आप भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उस मेथड को आप सोचिए कि हमको यूज कैसे करना है। ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस आप मानिए कि पहला काम अभी लर्निंग का ये होना चाहिए कि हम जो बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो किसी के स्टैंडर्ड पेपर में यूज होता है, उसको हम जो है खुद कैसे यूज करें। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, तो आप सोचिए कि हम एक पेपर जब ले रहे हैं तो उसको जो हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करें, उसको अपने जक्स्टापोज कर सकते हैं या फिर उसके आधार पे आप कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं विच यू कैन अप्लाई इन योर रिसर्च। ये अगर आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है, देन आई एम श्योर कि आपको एक अच्छा पेपर भी लिखने आ जाएगा। बिकॉज द आइडिया ऑफ रिसर्च इज नॉट अबाउट सबमिटिंग अ पीएचडी थीसिस, इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी रिसर्च पेपर। अगर आप अच्छा नहीं लिखेगा तो कहीं पब्लिश फिर होगा नहीं। ईदर यू पब्लिश और यू पेरिस, सिंपल फिलोसफी। ट्राई टू लर्न कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उस पेपर को लिखे, उसमें मैं बेसिकली एम्पिरिकल चीजों की बात कर रही हूँ। इकोनॉमेट्रिक्स में कोई भी बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स में एक ओएलएस रिग्रेशन एनालिसिस होता है, रिग्रेशन एनालिसिस। तो कम से कम आप ये सोचिए, कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट लर्न रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैंडर्ड पेपर पे, और उसको डेटा लेके आपको ये कोशिश करना है कि कैसे हम वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एक इस तरीके से या फिर वाई इज टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन है, उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस को कैसे हम उस पर डेटा पुट करके अपना जो थीसिस रिलेटेड है, रिसर्च रिलेटेड है, उससे कुछ हम आउटपुट फाइंड करें। देन जो वो वर्क होगा वो आपके ओरिजिनल वर्क होगा। देन अगर कोई भी होता है देन यू कैन क्वेश्चन नहीं, इट इज योर ओरिजिनल वर्क एंड यू हैव कैलकुलेटेड द रिग्रेशन एनालिसिस। तो आज का लेक्चर जो है वो मोस्टली इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ टू एस्टिमेट रिग्रेशन एनालिसिस, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एन इकोनॉमेट्रिक्स। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉडल के बाद जो है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मॉडल्स। टेस्टिंग ऑफ मॉडल्स में आपको आपने कुछ देखा टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, लेकिन फिर रिग्रेशन आप एनालिसिस करते हैं तो उसका जो पी वैल्यू यहाँ पर आप साइटेशन, जब भी आप किसी कुछ भी लिखते हैं दूसरे का आइडिया लिखते हैं तो साइट जरूर कीजिए कि किसका आइडिया है, अदरवाइज क्या होगा वो प्लेजरिज्म माना जाएगा। तो साइटेशन करें, कुछ एरर्स हैं उसको अवॉइड कीजिए, और अगर आप चाहें तो दो अच्छे पेपर्स आपको नेट पर मिलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, इन पेपर को पढ़ने से काफी फायदा आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को समझने में होगा। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने एनालाइज किया है, अंडरटेकिंग लिटरेचर रिव्यू अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ नर्सिंग आर्टिकल थी। और दूसरा राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू एंड यूजिंग अ सिंथेसिस मैट्रिक्स, ये दूसरा पेपर है, इसको पढ़े आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया जाता है। एंड ऑफ द थिंग आई से यू ओनली वन थिंग, रिसर्च मेथडोलॉजी इज प्राइमरली एन अप्लाइड साइंस, इट इज नॉट समथिंग दैट कुड बी टॉट थ्रू लेक्चर्स, इट इज समथिंग दैट यू learn through the process of doing it. मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप करिए, करके लेके आइए। उसमें बहुत सारे सपोर्टिव स्लाइड्स थे, मैंने आपको दिखाए नहीं, टाइम नहीं था मेरे पास, कि जब मैं ये बोलता हूँ उसको करेंगे कैसे, देखो ये पैराग्राफ कैसे लिख रहा है, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग, लिखें लोगों को जो अच्छे लोग हैं, आपको सुपरवाइजर है वो जिनको सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि धीरे 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 करके आप उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से इसी पैसे में हम सब हैं, तो उसको आनंददायक बनाइए, न कि उसको एक बर्डनसम प्रोसेस बनाइए। थैंक यू। तो आपको ऑथर को समझना है, ऑथर का रेपुटेशन क्या है, ऑथर का फिलोसॉफिकल लीनेज मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि आप आर्टिकल के इम्पोर्टेंस को उसके ऑथर के इम्पोर्टेंस से जोड़ें। ऑथर
असर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका रेपुटेशन, उसका ब्रांड नेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली ब्रांड नेम इतनी आसानी से बनता नहीं, ब्रांड नेम उसके रिसर्च आउटपुट के कारण बनता है। इसलिए अगर वो कोई बात कह रहा है, इसका मतलब है उस बात को उसने काफी ठोक बजा के कहा, आपको डिसाइड करना है। ठीक, उसके बाद क्या करें, सब्जेक्ट मैटर पढ़ो, ये बात क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन थीसिस, क्या बातें कह रहा है, जिस्ट क्या है। 10 पेज में कोई सेंट्रल आइडिया होगा ना जिसको कम्युनिकेट करना चाह रहा होगा, उसके लिए उसमें ढेर सारे टूल्स। हम आपको कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इधर का बैकग्राउंड, उधर का बैकग्राउंड, ये डेटा।